इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप एक फर्जी रजिस्ट्री को कैसे पहचान सकते हैं और एक ओरिजिनल सही रजिस्ट्री को आप कैसे पहचान कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। देखिए, रजिस्ट्री की जो ज़रूरत जो होती है, सही है या फर्जी है, जानने की ज़रूरत जो होती है वो होती है ज़मीन खरीदने पर। जैसे मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने आपको रजिस्ट्री दिखाई कि भाई ये हमारा प्लॉट था, ये रजिस्ट्री रही, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये फर्जी रजिस्ट्री है या ओरिजिनल रजिस्ट्री है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे कॉल पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप कालमी फोर मोबाइल ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। वो मोबाइल ऐप कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, उस पर वीडियो बनाया है और वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो रजिस्ट्रियाँ आपको शो की हैं, एक है नई रजिस्ट्री, एक है पुरानी रजिस्ट्री। ठीक है, आप अगर लेफ्ट में देखेंगे तो वहाँ पे नई रजिस्ट्री का मैंने वर्गीकरण किया है, और जो राइट में देखेंगे वहाँ पे पुरानी रजिस्ट्री। आपके पास दोनों में से कोई भी रजिस्ट्री हो, किसी प्रकार की रजिस्ट्री हो, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर की बात कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें, वहाँ पे जो रजिस्ट्री जो होती है उसके सबसे लास्ट पेज पे या सेकंड लास्ट पेज पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर न्यायालय की जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे कुछ इस प्रकार की मोहर लगी होगी, ठीक है, और जो भी उपनिबंधन है, रजिस्ट्रार है, उसके साइन होंगे, ठीक है, और वहाँ पे पूरा विवरण दिया होगा कि आज दिनांक जो भी है, दिनांक ये मैंने हाइडन कर दी है, दिनांक को वही संख्या एक जिल्द, जो भी जिल्द संख्या होगी वो भी डली होगी, पृष्ठ संख्या वो भी डली होगी, से 346 पर क्रमांक रजिस्ट्रीकृत किया गया है। देखिए, यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है कि ये रजिस्ट्री जो है ये भाई यहाँ आज इतनी तारीख को वही संख्या, पृष्ठ संख्या, जिल्द संख्या सब कुछ इसमें डला है, ठीक है। तो आप जैसे ही ये पता कर लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, आप भाई उसी तहसील में आएँ या जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस हो वहाँ पर आएँ, वहाँ पर किसी एडवोकेट को आप जो भी उसकी फ़ीस हो 1500 रुपये दें और उससे ये कहें कि भाई ये डिटेल है, इस दिनांक को वही नंबर एक में, पृष्ठ संख्या 319 में, और जिल्द संख्या जो भी हो वो आप नोट कर लें, आप ये देख लीजिए कि रजिस्ट्रीकृत है ये या नहीं है, तो वो मुआयना करके आपको बता देगा कि भाई ये जो है रजिस्ट्री है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए आपके सामने पुरानी रजिस्ट्री है तो उस पर कुछ इस प्रकार की मोहर लगी होगी और वहाँ पर भी साफ साफ सब कुछ मेंशन किया होगा। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आज दिनांक लाल कलम से लिखा है, ये आप देख सकते हैं पुरानी रजिस्ट्री अपने राइट साइड पर दूसरे नंबर की, यहाँ पर लिखा है आज दिनांक 2/7/9 को, और यहाँ पर पूरा विवरण दिया है, पृष्ठ संख्या और जो भी वही संख्या है पूरा विवरण दिया है, और जो भी है यहाँ पर पूरा विवरण दिया है। आप ये विवरण फोटो खींच सकते हैं या आप किसी कागज़ पे नोट कर लें और आप उसी तहसील में जाके, उसी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके किसी एडवोकेट को उसकी फ़ीस दें और वो मुआयना करके ये पता करके बता देगा कि ये वास्तव में रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है ये रजिस्ट्री या नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, यदि मान लीजिए आपको ये नहीं मिलता है, पृष्ठ संख्या, वही संख्या, जिल संख्या जो भी है ये नहीं मिलता है आपको, फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप ये पता करें कि ये किस तहसील में रजिस्ट्री हुई थी, ठीक है, फर्स्ट किस तारीख को हुई थी, आप सन पता कर लें कि इस तारीख को हुई थी, या मान लीजिए आपको ये भी पता है कि इस वर्ष में हुई थी, फिर भी आप जो भी एडवोकेट के थ्रू आप रजिस्ट्री ऑफिस में मुआयना करके आप उसकी पूरी डिटेल निकालवा सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल था, किस गाटा संख्या में और ये कब हुई थी, पूरी डिटेल आप जो है निकाल सकते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री सही है या नहीं, ये रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं, आप सब कुछ पता कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इस पृष्ठ की फ़ोटो हो। फोटो नहीं तो आप जो भी इसमें जो भी क्रमांक संख्या, पृष्ठ संख्या, तारीख हो ये भी नहीं है तो आपके पास तारीख होना चाहिए और जो भी आपका क्षेत्र है वो पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी निकल आएगी, लेकिन वहाँ पर कुछ देर लगेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपको कोई रजिस्ट्री नहीं दे रहा है और आप रजिस्ट्री मांगना भी नहीं चाहते उस व्यक्ति से कि भाई अपनी ज़मीन की जो भी है वो जो आप हम मुझे बेच रहे हो उसकी रजिस्ट्री दे दो, तो उससे भी सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन है कि भाई यदि मान लीजिए आपको प्लॉट नंबर पता है, मकान अगर कोई है मकान नंबर पता है, या मान लीजिए कहीं पर प्लॉटिंग हो रही है किसी खेती की ज़मीन में तो उस ज़मीन का गाटा संख्या पता है,
तो आप वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अब भाई ऑनलाइन रजिस्ट्री आप कैसे चेक करेंगे उसका मैंने पूरा जो है वीडियो बनाया है और वीडियो की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक करें उसकी लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक करेंगे उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले देखिए आपको मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कि उसमें सबसे पहले आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और तहसील और जो भी आपका गांव है जो भी आपका मोहल्ला है वो और आपका प्लॉट नंबर सेलेक्ट करना हो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पंजीकरण वर्ष, पंजीकरण संख्या, पक्षकार का नाम, पक्षकार का पता, संपत्ति विवरण और खसरा मकान घाटा संख्या, पंजीकरण तिथि, लेखपाल का विवरण, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। वसरते ये जो है ये डाटा आपका तभी का दिखाएगा, लगभग 17-18 का, जब से ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हुआ है तभी तक का डाटा इसमें फीड होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए वहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21 में यदि मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री हुई है या मान लीजिए क्या क्या उस डाटा संख्या में किनको ज़मीन बेची गई, किसने खरीदी है, वो पूरा विवरण आपको 18 से लेकर 21 तक बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ बताएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पक्षकार का नाम, पक्षकार का पूरा पता लिखा है और संपत्ति का पूरा विवरण लिखा है कि भाई कितना बेचा गया है। और यहाँ से आप जो है पूरा पता कर सकते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री जो है सही है या अन्यथा सही नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण में बात मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्री देख ली कि रजिस्ट्री इसकी सही है तो वो ज़मीन जो हो वो विवादग्रस्त ना हो या मान लीजिए ज़मीन जो हो बिल्कुल पूर्णतः सही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। देखिए इस वीडियो में हमने आपको बता तो दिया है कि भाई आप रजिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं, इससे आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि भाई रजिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये भी पता नहीं लग सकता है कि भाई इस जो भी ये प्लॉट है इस पर मान लीजिए जो भी विवाद है, कोई मान लीजिए दीवानी विवाद तो नहीं है, कोई सिविल न्यायालय में विवाद तो नहीं चल रहा है या मान लीजिए कहीं राजस्व न्यायालय में इसका कोई विवाद तो नहीं चल रहा है इस डाटा संख्या पे, तो आप इससे ये पता नहीं लगा सकते। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई रजिस्ट्री सही है या नहीं है और रजिस्ट्री कब की गई, इससे पूरा आप रजिस्ट्री का विवरण पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको 100% नहीं कहूँगा कि आप रजिस्ट्री देख के, यदि मान लीजिए रजिस्ट्री आपने मुआयना कर लिया है, रजिस्ट्री मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रीकृत है, तो आप 100% आँख बंद करके ज़मीन ना खरीदें, ठीक है। इस पर भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि आप बिल्कुल कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दूसरी बात, यदि आपको यह पता करना है कि कोई भी ज़मीन है उसकी विवाद की स्थिति कि इसमें भाई कौन क्या कोई विवाद तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की स्थिति आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर इस पर भी वीडियो आपको देखना है तो आप कमेंट में अवश्य करें।